दुर्गा सोरेन सेना युवा मोर्चा के नेता सुनील पासी के नेतृत्व में बागमारा के श्याम डी में दुर्गा सोरेन सेना की चौथा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री जामा विधायक सीता सोरेन उपस्थित हुई। साथ ही दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय अध्यक्ष जयश्री सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष राजश्री भी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में सेना के समर्थक सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी भी सभा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री जामा विधायक सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जामा के विधायक हमारे बीच उपस्थित हैं और आप सभी तमाम और हम आशा है कि कुल भीतों यहाँ पे देखिए, ये जो DSS संगठन है ये स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के विचार से आधारित है और आज का डेट में हमने जिस तरह से अभिभाषण में भी कहा कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी अगर मुख्यमंत्री बनते इस राज्य के बनते तो इस राज्य का कायाकल्प हो जाता, इस राज्य का जो विकास की गति है कुछ और ही होगा, क्योंकि 24 वर्ष होने के बाद भी जो झारखंड का विकास का नींव होना चाहिए अभी तक कुछ भी नहीं है। युवा वर्ग सड़कों पर भटक रहे हैं, महिलाओं को चला जा रहा है, इस राज्य में सिर्फ 3 जगह गोलियाँ चल रही है, लूटपाट हो रही है, मर्डर जैसे बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं, लोग यहाँ पर भयभीत और यहाँ विकास हमें भी देखने को नहीं मिल रहा है, विकास होता हुआ है। ऐसी परिवर्तन एक बड़ी चौथी परिवर्तन लाने की कोशिश की है, जिस तरह से युवाओं के साथ में चला गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे हर साल, और नौकरी नहीं तो बेरोजगारी बढ़ता है, तो इस बल पर सरकार बनी लोग ठगेगा, तो इसीलिए आप ठगना नहीं है। सरकार सिर्फ झूठ ही बोल रही है, सभी वर्ग तो झूठ बोल रही है, अभी महिलाओं को पकड़ लिया है, महिला वर्ग को पकड़ लिया है कि महिलाओं के लेकर कंधों पर आप चढ़ कर करके ये नहीं आप किए।